लास्ट क्लास में हमने सेल वॉल के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि सेल वॉल प्लांट में क्यों होता है, एनिमल्स में क्यों नहीं होता, वैसे ही फंजाई बैक्टीरियाज में क्यों होता है, इनके कैरेक्टर्स हमने पढ़ा था, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर क्यों बोलते हैं उसको, है ना, रिजिड क्यों बोलते हैं, ठीक है। और हमने ये देखा था कि सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके अंदर हमने देखा था कि सेल वॉल का स्केलेटन बना होता है, मैट्रिक्स बना होता है, जैसे छत की ढलाई में पहले सरिये का स्केलेटन बनता है और उसके अंदर फिर हम लोग मसाला का मैट्रिक्स डालते हैं, वैसे ही सेल वॉल भी हमारा फॉर्म हो रहा था, स्केलेटन बन रहा था माइक्रोफिब्रिल का। माइक्रोफिब्रिल क्या है, फाइबर ऑफ सेलुलोज, और उसके अंदर हम हेमी सेलुलोज पेक्टिन प्रोटीन का क्या कर रहे थे, मैट्रिक्स डाल रहे थे और सेल वॉल बना रहे थे, ठीक है। आज हम सेल वॉल का टाइप्स पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे और प्लाज्मोडेस्टेमाटा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, चलिए आइए। टाइप्स ऑफ सेल वॉल, देखो टाइप्स ऑफ सेल वॉल पढ़ोगे ना तो मेनली दो तरह के सेल वॉल होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल वॉल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। लेकिन किसी किसी सेल में देखोगे कि टर्शियरी सेल वॉल भी होता है, ठीक है। तो जनरली टू होते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल बात किया जाए तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल। देखो ये हमारा दो सेल है, ये हमारा सेल नंबर वन है, दिस इज आवर सेल नंबर वन एंड दिस इज आवर सेल नंबर टू। देखोगे जो सबसे बाहर जो इस सेल का लेयर है ना, सबसे बाहर ग्रीन वाला, ये इसको हमने बोल दिया दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो व्हाइट वाला दिखाया हमने, इसको बोल दिया हमने क्या, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। और किसी किसी सेल में इसके अंदर भी एक लेयर होता है, इसमें नहीं है, इस सेल में एब्सेंट है, इसको हमने बोल देते हैं टर्शियरी सेल वॉल, ठीक है। नॉर्मली ये टर्शियरी सेल वॉल नहीं होता प्रेजेंट सारे सेल्स में, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं कुछ सेल्स के, ठीक है। इस इन दोनों के बीच में देखोगे, ये सेल नंबर वन और सेल नंबर टू के बीच में, तो बीच में एक सीमेंटिंग लेयर है, इस सीमेंटिंग लेयर को हम लोग बोल देते हैं क्या, मिडिल लैमिला, नाम मिडिल लैमिला, क्यों, क्योंकि दो सेल के बीच में है, इसी के लिए इसको बोला हमने मिडिल का लैमिला, ठीक है। इसका काम क्या है, जैसे आप छत की, जैसे घर में क्या होता है, ईंटा, ईंट होती है, ईंट के ऊपर सीमेंट डाला जाता है, फिर से उसके ऊपर ईंट डाला जाता है, तो ईंट क्या, वो बीच का सीमेंट क्या करता है, दोनों ईंट को चिपका के जोड़ के रखने का काम करता है, वैसे ही मिडिल लैमिला भी है, ये एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रखता है, बीच में होता है, इसी के लिए मिडिल, इसको हम लोग कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स बोलेंगे, क्योंकि मिडिल लैमिला सेल नंबर वन का भी पार्ट है, सेल नंबर टू का भी पार्ट है, ठीक है। प्लांट सीमेंट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रखता है, जैसे एक ईंट को दूसरे जोड़ से दूसरे जोड़ता है हमारा सीमेंट, वैसे ही एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ता है, इसी के लिए इसको बोल दिया प्लांट सीमेंट, ठीक है। अब अगर इसका हम कंपोजिशन पढ़े कि भाई ये मिडिल लैमिला तो है, लेकिन इसका कंपोजिशन क्या है, किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो देखिए यह दो चीज से मिलकर बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, पैक्टेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो मिडिल लैमिला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्यादा अमाउंट किसका होता है, कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट का, तो आप बोलोगे कैल्शियम पैक्टेट का अमाउंट हमारा ज्यादा होता है सेल वॉल में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ सेल वॉल में हम पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल। देखो कोई भी सेल हुआ, सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, और सबसे बाहर जो फॉर्म होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, और जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है वह प्राइमरी सेल वॉल के अंदर फॉर्म होता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल, ठीक है, और दिस इज सेकेंडरी इज फॉर्म्ड इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल। सी देखो सबसे बाहर वाला लेयर है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल, एंड दिस इज द आउटर मोस्ट, इसको हमने बोला फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि जब सेल वॉल का डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनता है ना, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, तो सबसे पहले जो सेल वॉल बनता है वह बनता है प्राइमरी, प्राइमरी बन जाता है, उसके बाद बनता है हमारा सेकेंडरी, ठीक है। यह होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी सेल वॉल हो उसमें सेकेंडरी या टर्शियरी सेल वॉल प्रेजेंट हो या ना हो, प्राइमरी होना जरूरी है, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल सब में प्रेजेंट होता है, सारे सेल वॉल में, इसी के लिए हमने इसको बोला इट्स अ यूनिवर्सल, इट्स यूनिलेयर्ड। देखो इसको आप ध्यान से, सिर्फ एक सिंगल लेयर का प्रेजेंट है, सिंगल लेयरिंग है, ठीक है, ये जो ब्लू वाला रीजन दिखा रखा है, या सिंगल लेयर है, इसी के लिए यूनिलेयर्ड बोला। थिन है, वाइट थिन है, सिंगल लेयर थिक है तो थिन ही होगा, ठीक है। इलास्टिक है ये, इसके अंदर कैपेबल क्या होता है कि ये इलास्टिक है, इलास्टिसिटी होता है, यह फैल सकता है, ये स्ट्रेच हो सकता है,
ठीक है। अब स्ट्रेचेबिलिटी का पावर है, इसी के लिए इसको क्या बोला, कैपेबल ऑफ ग्रोथ। अब सेल ग्रो करेगा, स्ट्रेच हो जाएगा और ग्रो कर जाएगा, ठीक है। लास्ट कैरेक्टर देखते हैं, इट डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स। अब जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है, जैसे प्राइमरी पहले सेल हुआ, मेरिस्मेटिक सेल हुआ, अब मेरिस्मेटिक सेल मैच्योरिटी आएगी, परमानेंट सेल, उसका जैसे जैसे मैच्योर होगा ना, तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है, सबसे पहले बनता है, एक्सपैंड किया, ग्रोथ किया, और ये डिसअपीयर हो जाता है सेल मैच्योर होने के साथ, ठीक है। और फिर इसके अंदर हमारा सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर देखो, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो मैंने लेयर बनाया है, यह S1 S2 S3 करके, ये देखो ये हमारा S1 है, S1 के अंदर हमारा S2 है ग्रीन वाला पार्ट, और S2 के अंदर हमारा जो ये ब्लू वाला पार्ट है, ये हमारा S3 है, ठीक है। तो ये S1 S2 S3 कुछ नहीं है, ये सेकेंडरी सेल वॉल का ही डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, ठीक है। तो प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी बना, और सेकेंडरी के भी बहुत सारे लेयर्स, S1 S2 S3। अब सेकेंडरी में भी देखो, जो सबसे बाहर जो होता है ना सेकेंडरी का, सबसे बाहर वाले को बोलते हैं हम S1, सेकेंड S1 के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं S2, और S2 के अंदर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं S3, ठीक है। तो बहुत सारे लेयर्स हैं, इसी के लिए इसको बोला क्या, दिस इज अ मल्टी लेयर्ड, ठीक है। मल्टी लेयर्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है थिक होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, मल्टी लेयर होगा थिक होगा, यहाँ पे ये यूनि लेयर था तो थिन था, ठीक है। रिजिड होता है ये, ठीक है, इलास्टिक नहीं होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। और दिस इज एब्सेंट इन मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू आपने पढ़ा होगा टिश्यू चैप्टर में, कि मेरिस्मेटिक टिश्यू में हमारा सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट क्या होता है, एब्सेंट होता है, सिर्फ प्राइमरी होता है, ठीक है। आ जाओ, अब हम कंपेयर करते हैं प्राइमरी सेल वॉल को सेकेंडरी सेल वॉल से। प्राइमरी सेल वॉल हमारा थिन था, सेकेंडरी सेल वॉल हमारा थिक था, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिक था और ये रिजिड था, इसके अंदर कैपेबल ऑफ ग्रोथ था, लेकिन इट इज नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोथ, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ नहीं कर पाता सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। कंपोजिशन देखे, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल बोथ आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, दोनों में हेमीसेलुलोज है, दोनों में पेक्टिन है, दोनों में प्रोटीन है, ठीक है, ठीक। और ये क्या सकता है, यह ग्रेजुअली डिमिनिश हो जाता है सेल में चोर्स, लेकिन ये डिमिनिश नहीं होता, यह प्रेजेंट होता है मेरिस्मेटिक सेल में और ये एबसेंट होता है मेरिस्मेटिक सेल में, ठीक है। शायद आपने ये गौर किया है, नहीं किया, ये चारों कंपोजिशन प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल का सेम है, दैट इज सेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स, कंपोजिशन सेम है लेकिन नेचर डिफरेंट है, अगर ध्यान दिया हो तो। प्राइमरी सेल वॉल हमारा थिन था लेकिन सेकेंडरी थिक था, ये कैसे हुआ, कंपोजिशन सेम है, एक ही चीज से बने हो, लेकिन एक थिन है दूसरा थिक है, एक इलास्टिक है और दूसरा रिजिड है, हाउ इट इज पॉसिबल। थिन थिक का तो समझ में आता है क्योंकि यह मल्टी लेयर्ड इसलिए थिक है, ये सिंगल लेयर इसलिए थिन है, लेकिन व्हाट अबाउट इलास्टिसिटी, व्हाई प्राइमरी सेल वॉल इज इलास्टिक एंड व्हाई सेकेंडरी सेल वॉल इज नॉट इलास्टिक, दे आर रिजिड। अगर आप लोग में से किसी को आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, वैसे मैं इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखो, कंपोजिशन तो दोनों सेल वॉल का सेम है, बोथ आर मेड फ्रॉम दिस फोर कंपोनेंट्स ओनली, डिफरेंस कहाँ जाती है कि इनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, ठीक है। ये चारों कंपोनेंट ये हमारे सेकेंडरी सेल वॉल में बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इंट्रा सेलुलर स्पेसेस बहुत कम है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, तो क्या हुआ, ये रिजिड हो गए क्योंकि ज़्यादा आपस में जोर से जुड़े हुए हैं ये। वही सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल क्या है, इलास्टिक है, क्यों, क्योंकि ये लूजली पैक्ड है आपस में, अब लूजली पैक्ड होंगे तो इलास्टिक ही होंगे ना, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ देयर नेचर ऑफ बाइंडनेस, ज्यादा पास होगा, ठीक है। ये हमारा मेरिस्मेटिक सेल है। देखो, मैंने बोला था किसी किसी सेल में टर्शियरी सेल वॉल होता है, ठीक है। टर्शियरी सेल वॉल किसमें होता है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन ट्रैकिड ऑफ जिम्नोस्पर्म, मतलब जिम्नोस्पर्म में जाओ और जिम्नोस्पर्म में भी सिर्फ जो ट्रैकिड होगा ना उसी में टर्शियरी सेल वॉल प्रेजेंट होगा, बाकी सारे एंजियोस्पर्म में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सभी में, अदर सेल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, दे ऑल, सभी में क्या होते हैं, हमारे टर्शियरी सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, सिर्फ हमारा ट्रैकिड में प्रेजेंट होगा, वो भी जिम्नोस्पर्म का, ये थिन होगा, ठीक है। और ये टर्शियरी सेल वॉल भी क्या होगा, सबसे अंदर होता है, सबसे बाहर प्राइमरी सबसे पहले बना, उसके बाद सेकेंडरी सेकेंड नंबर पे बना, टर्शियरी थर्ड नंबर बना, और सबसे अंदर है और थिन है। प्राइमरी नाम पता चल रहा है ना, सबसे पहले जो बना ना उसको, उसका नाम हमने दे दिया प्राइमरी, सेकेंड नंबर पे बना उसको नाम दिया सेकेंडरी, जो थर्ड नंबर पे बना उसको नाम दिया टर्शियरी, ठीक है।
देखो यहाँ पे सबसे बाहर है प्राइमरी, उसके अंदर सेकेंडरी, और सबसे अंदर है हमारा टर्शियरी सेल वॉल। ठीक है, यह बना होता है कंपोज्ड ऑफ हेमी सेलुलोज एंड जाइलेंस। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे सेकेंडरी सेल वॉल में ही S1, S2, S3 कर दिए, वैसे ही उसी का S4 कर देते, और S4 अलग से टर्शियरी सेल वॉल बनाने की क्या जरूरत था। देखो S1, S2, S3 जितने भी सेकेंडरी सेल वॉल हैं, ये सबका कंपोजिशन सेम है, लेकिन क्यों, क्या है, क्योंकि हेमी सेलुलोज पेक्टिन प्रोटीन्स बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो ना, इस टर्शियरी सेल वॉल का कंपोजिशन ही चेंज हो गया, हेमी सेलुलोज और जाइलेन आ गया, वहाँ पे जाइलेन नहीं था, तो कंपोजिशन ही सेम है, बनाने वाला मटेरियल ही डिफरेंट है, तो सामान भी तो डिफरेंट होगा ना। तो ये था हमारा टर्शियरी सेल वॉल। ठीक है, टर्शियरी सेल वॉल के बाद हम एक स्पेशल कैरेक्टर पढ़ेंगे, प्लाज्मोडेस्टेमाटा। देखिए प्लाज्मोडेस्टेमाटा इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट सेल वॉल, मल्टी सेलुलर प्लांट सेल वॉल। ठीक है, एनिमल्स में ये एबसेंट होता है हमारा प्लाज्मोडेस्टेमाटा। ठीक है, देखो प्लाज्मोडेस्टेमाटा क्या है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, और ये एक प्लांट सेल को दूसरे प्लांट सेल से यह साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू जोड़ता है। ठीक है, जैसे ये हमारा सेल वन हो गया, ये हमारा प्लांट सेल नंबर टू हो गया। ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस, इस सेल का न्यूक्लियस। अब इस सेल के पास ही क्या हुआ ना, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया डेवलप ऐसे करके। ठीक है, ये हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ऐसे करके डेवलप हो गया। ठीक है, और क्या होता है, इस सेल का स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह क्या बन लेता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या कर देता है ना, इस सेल के साइटोप्लाज्म के, इस सेल को साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करता है। ठीक है, अगर सपोज इस सेल में कोई चीज बना और इस सेल को इस सेल से इस सेल में मतलब भेजना होगा, तो यह प्लाज्मोडेस्टेमाटा जो ट्यूब लाइक कनेक्शन है, इसी के थ्रू क्या करेगा, भेज देगा। सिमिलरली सेल नंबर टू में कोई चीज का फॉर्मेशन हुआ, अब इस सेल को अपने नेबरिंग सेल में, अपने बगल वाले सेल को भेजना है, तो क्या करेगा, इसी ट्यूब के थ्रू जो कि प्लाज्मोडेस्टेमाटा है, इसी के थ्रू वह भेज देगा। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्टेमाटा इज नथिंग, इट इज अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द टू नेबरिंग प्लांट सेल। ठीक है ना, और ये हमारा डेस्मोटिब्यूल से बनता है, डेस्मोटिब्यूल कुछ नहीं है, यह एक टाइप ऑफ SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन प्लांट सेल वॉल। ठीक, तो इट इज अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स, दिस हेल्प्स टू द हेल्प्स इन द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द नेबरिंग सेल्स। ठीक है, प्लाज्मोडेस्टेमाटा क्या है, इट इज अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, इट इज अ कैरेक्टर ऑफ मल्टी सेलुलर प्लांट्स, सिर्फ मल्टी सेलुलर प्लांट में होगा, यूनिसेलुलर में नहीं होगा, क्योंकि एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम कर रहा है ना, अगर यूनिसेलुलर में तो एक ही सेल ही है, तो एक ही सेल है तो उस सेल को कैसे जोड़ेगा, इसी के लिए क्या बोलते हैं इसको, यह कैरेक्टर है मल्टी सेलुलर प्लांट का। ठीक है, ER ट्यूब्यूल्स हेल्प्स टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ये देखोगे ये डेस्मोटिब्यूल्स क्या बना हुआ है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बना हुआ है, तो यही कंटिन्यूटी करता है साइटोप्लाज्म का। ठीक है, अब देखो टर्म प्लाज्मोडेस्टेमाटा वाज गिवन बाय स्ट्रासबर्गर, ये याद रखना, स्ट्रासबर्गर ने टर्म प्लाज्मोडेस्टेमाटा दिया था। अच्छा एक चीज और देखो, अब ये ट्यूब को अगर गौर से देखा होगा ना, तो इसके पास में पोर्स भी हैं, सर्टेन पोर्स है, तो हमने इस ट्यूब को और पोर्स को ऐसे सर्कल कर दिया, और सर्कल करके नाम दे दिया प्लाज्मोडेस्टेमाटा। तो प्लाज्मोडेस्टेमाटा अगर स्ट्रक्चर की बात हो रही है ना, तो इसके अंदर सिर्फ ट्यूब नहीं आएगा, ट्यूब और उसके आसपास वाले जो पोर्स होंगे ना, ट्यूब प्लस पोर्स, ये हमारा बनाता है प्लाज्मोडेस्टेमाटा। ठीक है, ट्यूब प्लस देयर सराउंडिंग पोर्स, दे मेड द प्लाज्मोडेस्टेमाटा। ठीक है, लास्ट बनते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल। देखो सेल वॉल गिव शेप टू द सेल, ऑब्वियस सी बात है, आउटर है, रिजिड है, तो जिस तरीके का सेल वॉल का शेप होगा वैसा ही सेल का शेप हो जाएगा। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। मैकेनिकल डैमेज होता क्या है, जैसे सपोज जंगल में क्या हो गया, आंधी आ गई और एक पेड़ दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे घस रहा है। ठीक है, तो अब घस रहा है, आपस में घस रहा है, तो क्या होगा, मैकेनिकल डैमेज हो सकता है, क्यों, क्योंकि उनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, तो उस मैकेनिकल डैमेज से हमारा बचाएगा, मैकेनिकल डैमेज मतलब फिजिकल डैमेज से बचाएगा हमारा सेल, बिकॉज हार्ड है, आउटर है, प्रोटेक्टिव है, नॉन लिविंग। ठीक है, या इन्फेक्शन से भी बचाता है। ठीक है, इन्फेक्शन से किस लिए बचाता है, क्योंकि देखो यह नॉन लिविंग है। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई पैथोजन आ गया, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, तो उनको न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही नहीं ना सेल वॉल पे, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, जब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेंगे, तो नॉन लिविंग होने का एक ये फायदा है, इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, या प्लाज्मोडेस्टेमाटा के कॉन्ट्रास्ट में बात हो रहा है कि प्लाज्मोडेस्टेमाटा की मदद से सेल टू सेल कनेक्ट करता है, और प्लाज्मोडेस्टेमाटा सेल वॉल में, इसी के लिए इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इट प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अगर इसे मेरे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने बोल बताया था आपको कि सेल वॉल इज परमिएबल टू
माइक्रो मॉलिक्यूल्स बट इम्परमिएबल टू मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड परमिएबल टू माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसे ये हमारा सेल वॉल है, इसके अंदर सपोज इतना छोटा छोटा पोर है जो ये पोर इसको परमिएबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब कोई मैक्रो मॉलिक्यूल्स आ गया, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, इस बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा है, अभी बड़ा साइज वाला क्या इस पोर्स के थ्रू इसको जाने देगा? नहीं जाने देगा ना, क्योंकि पोर छोटा है और ये साइज बड़े हैं तो इसके लिए नहीं आने देगा। तो क्या हो गया, ये बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए इम्परमिएबल हो गया। अगर कोई अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स है तो इसको जाने नहीं देगा क्योंकि पोर का साइज ही छोटा है। वही इसका क्या है, अगर कोई छोटा सा माइक्रो मॉलिक्यूल्स आएगा जिसका साइज छोटा है तो उसके लिए परमिएबल हो जाएगा। तो जो भी अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए ये इम्परमिएबल होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा चैप्टर, थैंक यू। अगर कोई भी आप